हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त हो गए गाइस। अभी तो बजे हैं कुछ शाम के 6। मैं ऐसे ही बाहर आया ड्राइव पे आज, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना डाल रहे, क्योंकि काफी लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई 2022 वाला वेरिएंट वरना का जो भी वेरिएंट है वो 3 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि काफी भाई मेरे कंफ्यूजन में है और काफी लोग मेरे को कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो ही बना देते हैं इसके ऊपर, ताकि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो वैसे तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, जो आप लोगों को अच्छी डील मिल रही है तो आप लोग डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का लुक्स और पूरा जो बोलते हैं हम लोग फेसलिफ्ट नहीं आया है, अभी जनरेशन ही चेंज हो गए, तो आप लोगों के ऊपर है कि कौन सा वेरिएंट आप लोगों को पसंद है। लाइक 23 वाला कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को 22 वाला ही पसंद आ रहा है, वो अपने ऊपर है। बट हाँ, मेरा वीडियो बनाना जिम्मेदारी है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हुए जब भी आप लोग बाहर निकलो मार्केट में कोई भी कार बाय करने के, लाइक सेकंड हैंड वरना ले लो, इसके बारे में भी हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि सेकंड हैंड में भी कैसे कैसी चीजें आप लोग को नोटिस करनी चाहिए जब भी आप लोग कार लेने निकलो बाहर मार्केट में, क्योंकि काफी ज्यादा स्कैम भी चल रहा है अभी। बट हम लोग बात करते हैं अभी वरना की, जो कि 2022 वाला वेरियंट जो 3 में लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यस, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छी डील मिल रही है तभी लेना, अदरवाइज 23 में भी आप लोगों को काफी अच्छे फीचर्स और ये सब कुछ मिल जाता है। बट कुछ कमियां भी होती है कार में, आप लोगों को मालूम ही है, जो कि 3 में भी है 2 में भी है। बट हाँ, हम लोग डिफेम नहीं करेंगे वरना को, अपने हिसाब से बात करेंगे ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन जो भी है वो प्रॉपर। बात करें हम लोग वरना की, तो जो कि पहला पॉइंट होता है डीजल वेरिएंट, क्योंकि काफी लोगों को अभी भी नीड है डीजल वेरिएंट की। कुछ कंपनीज अभी बना रही है डीजल वेरिएंट, लाइक आप लोग ले लो, काफी अच्छी कंपनीज भी बना रही है अभी, क्या ही बताऊँ, कुछ वेरिएंट्स आ रहे हैं अभी डीजल वेरिएंट में भी। बट हाँ, हम लोगों को वरना में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं डीजल वेरिएंट। तो कुछ लोग हैं जो कि काफी पावर को मजा लेना चाहते हैं, लाइक पावर का एंड डीजल का, प्रॉपर रॉ डीजल, डीजल वेरिएंट का जो टर्बो है डीजल का, उसका फील लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग जा सकते हैं सेकंड हैंड में या फिर डीजल वेरिएंट में वरना की, जो वो लोगों को 2022 वाली मिल रही है। तो इस पॉइंट पे आप लोग डेफिनेटली जा सकते हैं डीजल वेरिएंट लेना चाहते हैं तो 2022 में, क्योंकि जब भी 2022 में आप लोग वाला वेरिएंट पेट्रोल में लेने जाओगे तो आप लोग बुरा फंसोगे, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को माइलेज तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है। क्योंकि माइलेज की बात करें हम लोग, तो उस टाइम पे सिटी में कुछ अराउंड 11 या 12-13 तक दे देती थी पेट्रोल, एंड हाईवे पे 15-16 निकाल देती है आराम से। बट इतनी तो अभी आप लोगों को 2023 वाला वेरिएंट में भी मिल जाएगी, तो क्यों ही आप लोग एक वेरिएंट नीचे ले, तो वो भी एक सीन हो जाता है। बट हाँ, आप लोगों को डीजल वेरिएंट मिल रहा है एंड अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, या फिर नया ही मिल रहा है अभी भी, फिलहाल कुछ स्टेट्स में अवेलेबल रहती है ऐसा मेरे को बात सुनने में आई है। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बट हाँ कुछ लोग मेरे को कहते रहते हैं कि ये सब कुछ अवेलेबल रहती है, तो हम लोग डेफिनेटली जा सकते हैं 2022 वाला वेरियंट के लिए 3 में जो डीजल हो तो। और सेकेंडली बात करें हम लोग, तो फीचर्स के वाइज में बात करें तो 23 वाला बेस्ट है गाइस। जब भी आप लोग निकलो मार्केट में तो आप लोगों को मालूम ही है कि अभी तो पूरा कंसोल ही चेंज कर दिया है, आप लोगों ने चेकआउट करी होगी वरना नई 2023 वाली, जो कि अंदर से तो प्रॉपर तरीके से चेंज है एंड पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी अंदर से। बट हाँ, कुछ चीज़ें इसमें भी डिसएडवांटेजेस है और इस अपनी कार में भी डिसएडवांटेजेस तो होता ही है, बट 23 वाली में कुछ ज़्यादा ही डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि आप लोग ले लो, इसका इंटीरियर पूरा वाइट दिया हुआ है, अदरवाइज आप लोग टर्बो प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को वेल एंड गुड की ब्लैक एंड ब्लैक ही इंटीरियर मिलेगा। बट हाँ, नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट के अंदर हम लोगों को पूरा वाइट कलर का इंटीरियर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है और बंदा इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाता है ये सब कुछ, तो उस टाइम पे बंदा फंस जाता है कि हम लोगों ने क्या करवाला। बट हाँ, अभी तो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस भी आ चुके हैं, आप लोग इंटीरियर भी चेंज करवा सकते हो आफ्टर मार्केट, बट ये सब कुछ करवाना नहीं चाहते और आप लोगों को स्पेशल ये ही वेरियंट पसंद है तो आप लोग जा सकते। बट आप लोग, कुछ लोगों को ये वाला वेरिएंट इसलिए पसंद है क्योंकि इसका स्पीडोमीटर देखिए, इसका स्पीडोमीटर इतना प्यारा लगता है कंपेरेटिव 23 वाली वेरिएंट। 23 में इतना फुद्दू सा स्पीडोमीटर दिया गया है, लाइक हम लोगों को लगता है कि हम लोग वेन्यू ही चला रहे फील आती है। हाँ, वरना की, बट जो वेन्यू वाला है वो काफ़ी फुद्दू सा लगता है, अदरवाइज वो लोग 200 वाला दे देते तो बात ही कुछ और होती, बट क्या कर सकते हैं। बट इसके अंदर फीचर भी इतने ज़्यादा दिए हुए हैं गाइस कंपेरेटिव ये वेरिएंट, इससे तो हम लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा ही फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं 23 में, लाइक मिल गए हैं, आप लोगों ने चेकआउट करी होगी। तो ये दो कुछ रीजन है 50-50 हम लोग बात कर लेते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं या फिर नहीं भी जा सकते, वो आपके ऊपर है। बट प्राइस पॉइंट है जो कि मेजर है, क्योंकि प्राइस पॉइंट में आप लोगों को अभी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी प्राइस हाई 23 में, पीरियड में वेटिंग पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा है।
बट हाँ आप लोग डेफिनेटली जा सकते हैं, आप लोग प्लान करते हो प्योरली पेट्रोल वेरिएंट बाय करना तभी आप लोगों को जाना चाहिए 2023 में। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तो कुछ लोगों को अपनी यही वरना का लुक ज़्यादा पसंद आता है कंपेरेटिव 23 वाले, क्योंकि इसका लुक देखिए गाइस काफ़ी प्यारा। अभी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करवा रखी तो आप लोगों को प्रॉपर आइडिया नहीं आएगा, बट हाँ इसका काफ़ी लोगों को ग्रिल और ये सब कुछ क्रोम वाला जो भी है तो काफ़ी पसंद आता है लोगों को, तो वो लोग अपने हिसाब से लुक को लेके भी जा सकते हैं इस वेरियंट पर। बट डीजल के लिए स्पेशली मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को अच्छी डील मिल जाए तो आप लोग 23 में 22 वाला वेरियंट लेने के लिए भी जा सकते हो। हमने लुक की और ये सब कुछ बात कर ली, बट पीछे से नई वाली वरना देखना गाइस, कुछ अजीब सा ही लुक आता है जो बैड बॉय वाला लुक आता है तो इसी वेरिएंट का ही आता है, जो कि आप लोग देख लीजिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। बट नई वाली वरना कुछ मेरे को थोड़ी सी और आ जैसी दिखती है पीछे से, बट हाँ इसके अंदर जो नई वाली वेरिएंट है वरना का उसके अंदर हम लोगों को इससे भी बड़ा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस देता है आप लोगों को। अदरवाइज आप लोग चाहते हो यही वेरियंट हो ये भी बेस्ट है आपके लिए, बट हाँ आपको डील अच्छी मिलनी चाहिए क्योंकि डील ही एक ऐसी चीज़ है जो सबको सब बंदे को पिघल देती है, क्योंकि कि जब भी हम लोग जाए मार्केट पे तो हम लोगों को अच्छी डील मिल जाए ये वाली वरना की तो हम लोग इसके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लुक्स और ये सबसे नहीं मैटर करता है, कुछ लोगों को यही वाला वेरिएंट चाहिए होता है क्योंकि काफ़ी लोग शौकीन होते हैं कि मॉडिफिकेशंस करवा सके। तो ये वाला वेरिएंट ऐसा आया था कि इसके अंदर आप लोग चाहे इतनी मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं करते थे लाइक कंपेरेटिव 2023 में, क्योंकि 2023 में अभी आप लोगों को करोल बाग और ये सब जगह पे जाने का कोई मौका ही नहीं देगी कंपनी, क्योंकि इतनी अच्छी मॉडिफिकेशंस लाइक इतनी अच्छा पैकेज दे रही है कंपनी लाइक कुछ भी आप लोगों को आफ्टर मार्केट करवाने की ज़रूरत रहती ही नहीं है। बट हाँ कुछ बंदे वो भी होते हैं कि शौकीन के कुछ चेंज करवा देते हैं एलॉय व्हील्स और ये सब कुछ, बट ये वाली वरना में आप लोग कुछ अच्छे आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील्स लगवा दो और कुछ और नया कुछ करवा दो तो आपके लिए आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छी रहने वाली है ये वाली वरना भी, जो 2023 को भी पीछे छोड़ देती है। अदरवाइज मैं रखता हूँ अपनी कार को भी 2023 वाली के बाजू में, तो मेरे को इसका फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती, वो अपने आपके ऊपर ही है कि कौन सी लेनी चाहिए, बट मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता देता हूँ। एंड गाइज हाँ सीडान है तो डेफिनेटली आगे वाली स्पेस तो सेम ही मिलती थी, बट हम लोगों को पीछे वाली स्पेस अच्छी मिल गई नई वाली वरना में एंड उसका बूट स्पेस जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस देता है। और गाइस बात करें हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की तो इस वाला वेरिएंट में हम लोगों को कुछ कम ही ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, बट हाँ 2023 वाला वेरिएंट आया है अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, ऐसा इतना नहीं है, इसकी व्हील बेस थोड़ी लंबी कर दी है एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है कंपेरेटिव ये वेरियंट। सच वैसे तो आप लोगों का आइडिया आ गया होगा कि गाइस आप लोगों को कुछ डीजल वेरियंट का मजा चाहिए तभी आप लोग लो, अदरवाइज तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी मना कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग इस बात को लेकर ऑफेंड भी हो गए कि भाई आप अपनी कार को क्यों डिफेम कर रहे हो, लाइक ये अपनी कार के लिए तो अच्छा बोलो ये सब कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। प्रैक्टिकली हम लोग सोचे तो 2023 वाला वेरिएंट बेस्ट ही रहता है, क्योंकि पेट्रोल के हिसाब से हम लोग देखें तो हाँ लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है डेफिनेटली कंपेरेटिव डीजल वेरियंट, क्योंकि डीजल की कुछ वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स की एंड 15 ईयर्स की पेट्रोल की मिल जाती है, अगर अदरवाइज आप लोग होते हैं दिल्ली हिस्से और ये सब तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहता है पेट्रोल वेरियंट ही जो 2023 वाला है, क्योंकि 2023 वाला जो पेट्रोल वेरिएंट है उसको काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है कंपेरेटिव 2022 वाला वेरिएंट। बट हाँ कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो डीजल लवर होते हैं तो इसके लिए तो ये वरना बेस्ट रहने ही वाली है, आँख बंद करके ले लो आप लोगों को कुछ अच्छी डील मिले या कुछ सेकंड हैंड में कुछ कम चली हुई कार मिले। बट हाँ कुछ आप लोगों को नोट भी करनी चाहिए चीज़ें जो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा सेकंड हैंड में भी आप लोग लेने जाओ कार तो, ताकि आप लोग बुरा फंसो ना, क्योंकि काफ़ी लोग फंस जाते हैं अभी तो सेकंड हैंड कार में, जो कि मैंने देखा है मेरे हिसाब से मेरे फ्रेंड लोग भी काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं ये सब में, लाइक स्कैम काफ़ी ज़्यादा चलता है इस चीज़ के, मेरे थोड़ा बहुत है आइडिया तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दूंगा कुछ आने वाले वीडियोज़ में। तो आप लोग चाहते हो कि सेकंड हैंड कार लेने से पहले कौन सी चीज़ें जाननी चाहिए तो इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे बात करें तो मैं आप लोगों को यह नहीं कह सकता कि यही वेरिएंट लो यही मॉडल लो, आपके पैसे हैं आप लोगों को कहाँ लगाना है वो तो आपके हिसाब से आप लोग ही जानोगे ना, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉपर दे के दूंगा कि ये ले लो, आप लोगों को नहीं पसंद है ये सब कुछ तो मैं मेरे ऊपर आएगा पूरा। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अच्छी है क्या क्या चीज़ें बुरी भी है। तो वैसे तो हाँ आप लोग ले सकते हैं, एक ही मेरा रीज़न है डीजल वेरियंट के लिए, डीजल इंजन लेना चाहते हो तभी लेना 2023 में 2022 वाला वेरिएंट, क्योंकि वही है एक अच्छा पैकेज डीजल में पावर, क्योंकि डीजल जब भी आप लोग चलाओ ना तो आप लोगों को फील होता है कि हम लोग कुछ रॉकेट के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि जैसा पावर है ना डीजल का वो आप लोगों को पेट्रोल में तो बिल्कुल भी मिलने वाला है नहीं। बट हाँ
आप लोगों को वैसे तो आइडिया आ गई होगी, बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप लोग कौन सा वेरिएंट चूज करते हो, बट आप लोगों को दो तीन चीजें बता दी लाइक जो कि एडवांटेजेस में आती है 23 में, लाइक स्पेस भी काफी अच्छी मिल रही है अभी तो, काफी अच्छा पावर भी मिल रहा है, रिफाइंड इंजन पेट्रोल इंजन मिल रहा है, काफी अच्छी माइलेज मिल रही है, एंड प्राइस पॉइंट की बात करें तो एक प्राइस पॉइंट ही थोड़ी सी ज्यादा है, बट कोई नहीं वो तो आप लोग अभी आपके ऊपर है, अदरवाइज आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप लोग जा सकते हैं सेकंड हैंड वेरिएंट में अभी तो। एंड गाइस कोई लोग बोल रहे थे, वीडियो बना रहे थे एक्चुअली, कि सेकंड में बिक भी रही है अभी तो 23 वाली मॉडल, जो कि क्यों है वो अभी हम लोगों को वो तो नहीं आइडिया, बट हाँ वो मिल रही है अभी सेकंड में, काफ़ी जगह पे अवेलेबल है वो, ऐसा मेरे को भी सुनने में आया है एंड मैंने वीडियोस भी देखे, तो इसके ऊपर तो हम लोगों को कुछ आइडिया है नहीं, बट आप लोगों को प्रॉपर मैंने आइडिया दे दिया कि आप लोगों को कौन सा वाला वेरियंट कौन से ईयर में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज कुछ लोग होते हैं जो 1.6 वाला लवर होते हैं, लाइक वो लोगों को वही वेरियंट पसंद होता है, तो वो तो आप लोगों को वेल एंड गुड है कि आप लोग जब भी, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि 1.6 वाली जो मिल गई आप लोगों को अच्छी कंडीशन में, आँख बंद करके ले लो, क्योंकि वो मज़ा इसमें भी नहीं है एंड नई वाली में भी नहीं है। तो वैसे आइडिया आ गया होगा आप लोगों को, तो मिलते हैं नए वीडियो में। एंड कैसा लगा वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना, जो किसी की हेल्प हो जाए। वैसे इतना मेरे को नॉलेज है नहीं, बट हाँ मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया और वो सब कुछ आपके ऊपर है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, लाइक आपके हिसाब से आप लोग चूज करोगे आपका वेरियंट कौन सी ईयर में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय। एंड हाँ ट्रिप्स भी आने वाली है तो स्टे ट्यून फॉर दैट, मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।